व्हाट्सअप गाइस, सो दिस इज उज्ज्वल कुमार सेन और हम शुरू करने जा रहे हैं एचएमटी। तो हमारा आरएसी हो चुका है, थर्मोडायनामिक्स हो चुका है जो गेट 2019 में पूछा गया था, और एप्टीट्यूड हो चुका है। ये हमारा सब्जेक्ट जो नंबर अगर देखेंगे फोर्थ नंबर सब्जेक्ट है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है और सोल्यूशन कैसे निकलेगा। सो हमारे पास क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड्स एंटर अ पैरेलल फ्लो डबल ट्यूब हीट एक्सचेंजर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 15 डिग्री सेंटीग्रेड रेस्पेक्टिवली। द हीट कैपेसिटी रेट्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड्स आर सी एच इक्वल टू 2000 वाट पर कैलविन एंड सी सी इज इक्वल टू इतना। मतलब जो हीट कैपेसिटी है हॉट फ्लूइड का ये इतना दे रखा है, कोल्ड फ्लूइड कितना दे रखा है इतना दे रखा है। इफ द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड फ्लूइड इज, अगर आउटलेट टेम्परेचर कोल्ड फ्लूइड कितना है 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमें क्या निकालना है, मीन टेम्परेचर लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। सो लॉग मीन मतलब क्या है, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है यहाँ पर, ये लॉगरिथमिक कर देते हैं। सो हमें क्या करना है, टू राउंड डेसिमल प्लेसेस तक मेंटेन रखना है ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, मतलब हमें पॉइंट्स में दिक्कत ना हो, बिकॉज इसमें कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन जहाँ नहीं रहता है तो वहाँ पर ही प्रॉब्लम, हम मतलब ये चीज़ हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब भी आपके पास हीट एक्सचेंजर क्वेश्चन आता है आप खुश हो जाओ, बिकॉज जैसे क्वेश्चन बन जाएगा आपसे कैसे निकालना है। चलो तैयारी करते हैं, मतलब चलो निकाल के दिखाते हैं कैसा है हीट एक्सचेंजर। हमारे पास पैरेलल है, पैरेलल हमने डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर दिया, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, टी एच वन हो गया, यहाँ पर टी सी वन, इधर टी एच टू, इधर क्या आ गया टी सी टू। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, थीटा टू। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, थीटा वन। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। टी एच वन कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, डिग्री सेंटीग्रेड में है। और टी सी वन कितना दे रखा है, फ्लूड कोल्ड फ्लूड सेंटर कितना में है, 15 है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यहाँ पर किसी का एग्जिट दे रखा है यहाँ पर, हाँ जो आउटलेट है कोल्ड का वो कितना है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमें पता है एल एम टी डी इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा वन माइनस थीटा टू डिविजन नेचुरल लॉग थीटा वन बाई थीटा टू। ये फॉर्मूला है, काफ़ी बार पूछे, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, राइट। सो अब क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें टी एच टू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, सिंपल कि देखो यहाँ पर हॉट फ्लूइड जितना लॉस करेगा, यहाँ पर हीट हीट जो लॉस करेगा हॉट फ्लूइड, हीट जस्ट सेकेंड, हीट लॉस्ट बाय हॉट फ्लूइड, जितना लॉस करेगा हॉट फ्लूइड उतना क्या करेगा, गेन करेगा कौन, कोल्ड फ्लूइड। कौन गेन करेगा, कोल्ड फ्लूइड उतना गेन करेगा। ये यहाँ से हमें समझ में आता है कि हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड में यहाँ पर क्या है, रिलेशन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सी एच टी एच वन माइनस टी एच टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी सी टी सी टू माइनस टी सी वन। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, टी सी वन आएगा। अब सी एच हमारे पास क्या है, 2000 है। एच वन हमारे पास कितना है, टी एच वन 100 है। टी एच टू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सी सी कितना है, 1200 है। और टी सी टू कितना हमारे पास, 45 है। टी सी वन कितना है, 15 है। तो अब क्या करेंगे हम, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर 100 आ गया, टी एच टू आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर देखिए 1200 मल्टीपल 30, डिवीजन कितना आ जाएगा 2000, 0 0 0 कैंसिल, 0 0 0 कैंसिल, 6 आ गया, कितना आ गया 18 आ गया यहाँ पर। सो टी एच टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, मतलब अगर इधर को इसको ले जाएंगे और ये वाला टर्म 18 को इस साइड लेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, थोड़ा सा हिसाब लगाएंगे यहाँ पर, 82 आ रहा है यहाँ पर, राइट। हाँ 82 आ जाएगा। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, टी एच टू इज इक्वल टू 82, बिकॉज 100 माइनस 18 कितना आता है, 82 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो अगर ये 82 आता है तो थीटा वन हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, 85। थीटा वन कितना आ गया, 85। कैसे आया, दोनों का डिफरेंस आ गया। थीटा टू कितना आ जाएगा हमारे पास, थीटा टू आ गया 37, बिकॉज देखो 82 माइनस 45 करते हैं कितना आता है, 37। अब यहाँ पर इस फॉर्मूला में पुट करना है हमें वो सारे वैल्यूज को। तो पुट करने के बाद क्या आता है, देखो यहाँ पर निकालते हैं, 85 माइनस 37 डिविजन नेचुरल लॉग 85 बाई 37। सो
85 माइनस 37, यहाँ पर नेचुरल लॉग लगाना है और कुछ मत लगाना। 85 माइनस 37, खुद कैलकुलेशन करके देख सकते हो आप। नेचुरल लॉग 85 डिवीजन 37 कितना आता है? हाँ, 57.7 आ रहा है। 57.7 लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है? 57.7। और बिकॉज ये डिफरेंसेस निकाला हमने, तो यहाँ पर किस में आ जाएगा? ये कैलविन में आ जाएगा, राइट। तो ये था हमारा कहानी किसका, आपका मतलब आपका फर्स्ट क्वेश्चन का। आते हैं अब सेकंड क्वेश्चन में। ये आपका क्वेश्चन कहाँ से आया है? रेडिएशन से आया है, रेडिएशन ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट। अब देखो यहाँ पर क्या हमारे पास है, स्फीयर वन विद डायमीटर कितना है आपका? 0.1 मीटर। इज कम्प्लीटली एनक्लोज बाय अनदर स्फीयर टू ऑफ डायमीटर 0.4 मीटर। मतलब क्या, दो स्फीयर है यहाँ पर। सपोज दैट यहाँ पर एक स्क्वायर हमारे पास है, इसका मान लो डायमीटर कितना है? 0.1। और इससे बड़ा एक स्फेयर हमारे पास है, और इस स्फेयर का डायमीटर कितना है हमारे पास? 0.4। दो स्फेयर हमारे पास आ गया। तो अब क्या बोला है, व्यू फैक्टर 1 2 निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंसेप्ट यूज करेंगे। भाई कौन सा कंसेप्ट लगेगा? तो हमारे पास समेशन रूल है, वो क्या बोलता है, F11 प्लस F12 इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। अब ध्यान से देखना इसको, ये 1 है और ये क्या है? 2 है। सो F11 पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। F11 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देयरफॉर F12 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर और एक चीज बताना चाहूंगा गाइस, आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम को अच्छे से पढ़ें। रेडिएशन में रेसिप्रोसिटी थ्योरम से क्वेश्चन आता है और आप उसको अच्छे से पढ़ें, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन मुंह जबानी था, मतलब जिसने ढंग से पढ़ा है कोई भी नोट्स, किसी भी अच्छे जगह का नोट्स, तो ये उसको यहाँ से मतलब उस नोट से क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे निकलेगा। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। फॉर ए हाइड्रोडायनामिकली एंड थर्मली फुल्ली डेवलप्ड लेमिनर फ्लो थ्रू ए सर्कुलर पाइप, सर्कुलर पाइप है याद रखना, ऑफ कॉन्स्टेंट क्रॉस सेक्शन, द नसेल नंबर एट कॉन्स्टेंट वॉल हीट फ्लक्स NuQ एंड दैट एट कॉन्स्टेंट वॉल टेम्परेचर NuT आर रिलेटेड एज। कैसे रिलेट करता है, मतलब दोनों इक्वल है क्या है? देखो गाइस, बता देता हूँ आपको कैसे रिलेट करता है, बिकॉज ये थोड़ा सा आसान सा है और आपको पता भी होना चाहिए। लेमिनर फ्लो के लिए इसका एक वैल्यू है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। NuQ इज इक्वल टू कितना होता है? 4.364 के आसपास होता है। और हमारे पास NU जो T आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3.66। देयरफॉर क्लियरली हम बता सकते हैं NU इज ग्रेटर देन NuT। सो NuQ इज ग्रेटर देन, यानी कि ऑप्शन ए जो हमारे पास है वो क्या आ जाएगा हमारे पास? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है देखने में तो बड़ा डिफिकल्ट सा लगता है और बहुत बड़ा लगता है, बट ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, राइट। तो यहाँ पर बोला गया 3 स्लैब है, स्लैब 1, स्लैब 2 एंड स्लैब 3, राइट। और तीनों को ज्वाइन किया गया टुगेदर, इस डायग्राम को दिया गया है एग्जाम में, राइट। सो देयर इज नो थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस एट द इंटरफेस। इंटरफेस में कोई थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस नहीं है, दो इंटरफेस है यहाँ पर। द सेंट्रल स्लैब एक्सपीरियंस ए नॉन यूनिफॉर्म इंटरनल हीट जनरेशन विथ एन एवरेज वैल्यू इक्वल टू 10,000 वाट पर मीटर क्यूब। वेदर लेफ्ट एंड राइट स्लैब्स हैव नो इंटरनल हीट जनरेशन, ऑल स्लैब्स हैव थिकनेस इक्वल टू 1 मीटर। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इच स्लैब इज कितना दे रखा है यहाँ पर? दिस इज थर्मल कंडक्टिविटी। टू एक्सट्रीम फेसेस आर एक्सपोज टू फ्लूइड विथ कोफिशियंट कितना है? इतना है। और बल्क टेम्परेचर, मतलब यहाँ पर जो टीबी है दोनों साइडों के है सेम है। यहाँ पर आपका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट भी कितना है आपका, मतलब हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट ही बोल सकते, कन्वेक्टिव बोले, कन्वेक्शन हो रहा है यहाँ पर, राइट। सो बल्क टेम्परेचर कितना आ गया यहाँ पर? हीट ट्रांसफर कन्वेक्टिव, अच्छा सॉरी, द हीट ट्रांसफर इन द स्लैब इज एज्यूम टू बी 1 डायमेंशनल स्टेडी स्टेट, ऑल प्रॉपर्टीज आर कॉन्स्टेंट। इफ लेग्स टाइम फेज T1 इज मेजर्ड एट, ये अगर 100 है तो T2 कितना होगा हमें निकालना है, ये बता रहा है। तो चलो बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे निकलेगा। यहाँ पर देखो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट लगाएंगे हम। यहाँ पर क्या कंसेप्ट लगाएंगे,
कि भाई साहब कितना हमारे पास जो इंटरनल हीट जनरेशन का वैल्यू है। सो इंटरनल हीट जनरेशन का वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q1 में जो कन्वेक्शन हो रहा है, Q1 कन्वेक्शन प्लस Q2 में जो कन्वेक्शन हो रहा है। सो इंटरनल हीट जनरेशन हमारे पास कितना आ रहा है गाइस, ये आपको पता है अच्छे से। ये हमारे पास कैसे आएगा, 10,000 मल्टीपल इसका जो एरिया है, एरिया 1 आ जाएगा, और इसका विड्थ, विड्थ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया इंटरनल। मतलब क्या कर रहे हैं हम बेसिकली, देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि पर मीटर क्यूब है, मतलब यहाँ पर दो चीज आएगा मीटर क्यूब में, मतलब वॉल्यूम में, एरिया इंटू विड्थ आएगा। तो एरिया क्या, 1 मल्टीपल 1 है, तो 1 आ जाएगा। विड्थ भी क्या है, 1 है यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10,000 मल्टीपल 1 मल्टीपल 1, यानी कि ये जो हमारा टर्म आ जाएगा किसमें आ गया, वाट में आ गया। ये टर्म किसमें आ गया, वाट में आ गया। कन्वेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, क्यू इज इक्वल टू एच ए टी वन माइनस टी टू होता है, या डी टी भी बहुत जगह पर देखेंगे। और एच क्या होता है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट होता है, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था बाय मिस्टेक, राइट। तो यहाँ से इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। चलो गाइज, आई होप यू आर गेटिंग मी, राइट। चलो अब क्या हमारे पास क्या है, यहाँ पर बता रखा है कि कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट जो है यहाँ पर हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो Q1 को पहले निकालते हैं। H हमारे पास दोनों केसेस में क्या है, 100 है। H A हमारे पास क्या है, 1 है। T1 हमारे पास कितना है, पहले वाले में 100, और T2 हमारे पास 30। दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, 100 मल्टीपल 1, और T2 हमें पता नहीं है, और दूसरा क्या आ जाएगा, 30। क्वेश्चन मतलब इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर लो। अब देखो यहाँ पर क्या, 100 कॉमन आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, कितना बच गया हमारे पास, 100 बच गया, 10,100 बच गया। अब यहाँ पर कितना आ गया, 70 आ गया। यहाँ तक क्लियर है, आई होप सो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आप लोगों को, राइट। लेकिन यहाँ पर एक बात है, वो हम थोड़ा मिस कर सकते हैं। वो क्या बात है, एक सेकेंड, नहीं वो सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो 100 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 100 इज इक्वल टू 70 प्लस T2 माइनस 30। अब 30 इज इक्वल टू कितना आ गया, T2 माइनस 30। सो T2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आ गया, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आसान है, बट मुंह जवानी, जिसको पता है वो मुंह जवानी बता देगा, जिसको नहीं पता है उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू ए सॉलिड हुज क्रॉस सेक्शन एरिया वेरीज लीनियरली इन द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। एज्यूम देर इज नो हीट जनरेशन इन द सॉलिड एंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज कॉन्स्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द सॉलिड इज क्या होगा। तो बेसिकली टेम्परेचर कैसा होता है सॉलिड में, इस केस में लॉगरिथमिक होता है, राइट। कैसे होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कैसे होता है। सो हमें पता है जब हमारे पास वन डायमेंशनल होता है, वन डायमेंशन जब हमारे पास केस होता है, और ऊपर से नो हीट जनरेशन होता है, तो हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं ऐसे। अगर आप कोई भी बुक पढ़ोगे तो ऊपर से केसेस देते हैं, कोई भी नोट्स में भी लिखाते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एससी में काफी बार पूछा गया है। सो डी बाई डी एक्स क्या होता है हमारे पास, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। ए यहाँ पर क्या है, इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, 0। अब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यू, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। कॉन्स्टेंट सी आ गया। अब यहाँ से एक हमारे पास क्या आ जाएगा, कंसेप्ट हम लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, मतलब एक्स को इस साइड भेज देंगे, एक्स को उस साइड भेजेंगे, टी को इस साइड रखेंगे, के को इस साइड भेजेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे देखो, डी टी इज इक्वल टू माइनस सी बाई के ए, ठीक है, और डी एक्स, दोनों साइड क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, यहाँ पर टी आ जाएगा, यही बता सकते हैं हम, यहाँ पर टी आ जाएगा, सी कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो भी टर्म आएगा वो नेचुरल लॉग में आएगा आगे। तो यहाँ पर मतलब किस टर्म में आ रहा है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आपका लॉगरिथमिक टर्म में आ गया। आगे बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आगे फिर आपका वो मैथमेटिक्स वाला पार्ट आता है। तो यहाँ तक कर लेते हो तो आपको आंसर पता लग जाता है कैसे आ रहा है, लॉगरिथमिक में आ रहा है। होपफुली गाइस पता लगा इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें दोस्तों के साथ, और डेफिनेटली क्या करें, अच्छे से स्टडी करें। बाय बाय।